जहां मधेपुरा जिले के जगदीशपुर में जबरन प्रेम करने को लेकर प्रेमिका के घर वालों ने साजिश के तहत प्रेमी को मारने की एक उपाय योजना बनाई, जिस योजना में अपने घर पर बुलाकर लाठी डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। जहां इस हत्या के मामले में प्रेमिका के माता पिता सहित चचेरे भाई व बहनोई भी शामिल हैं। इन लोगों ने हत्या को दूसरे तरफ मोड़ने के उद्देश्य से प्रेमी के वाहन प्रेमिका के घर से 500 मीटर उत्तर व उसके शव को 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में फेंक दिया। जहां प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने इस मामले का खुलासा किया। वहीं SP राजेश कुमार ने बताया कि जगदीशपुर में 4 मार्च को एक बारात में भोज खाने आया था। युवक रिकेश कुमार को अपहरण के बाद प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। इस मामले को लेकर प्रेमिका और प्रेमिका की मां व बहनोई को आलमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SP राजेश कुमार ने बताया कि 4 मार्च को रिकेश कुमार का अपहरण अपराधियों द्वारा कर लिया गया। 5 मार्च की सुबह रिकेश कुमार की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली थी। इस आधार पर आलमनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद 6 मार्च को एक अज्ञात शव मिला, जहां जिसकी पहचान रिकेश कुमार के रूप में की गई। जहां इस मामले को लेकर सुबोध मंडल की पुत्री को उसके बहनोई सरोज कुमार को घर से गिरफ्तार किया गया है। पे थाना अध्यक्ष अपने हरकत में आया और फिर उनके द्वारा मोटरसाइकिल दिखाया गया तो बताया गया कि ये मोटरसाइकिल उसी लड़के का है। तब इन्हें संदेह हुआ कि उसके साथ में कुछ घटना दुर्घटना हो गई है। ये अपने दलबल के साथ में स्थानीय लोगों के सहयोग से आसपास में खोजबीन करना शुरू की। तो 6 तारीख को उस लड़के की डेड बॉडी मिली, जो कि मोटरसाइकिल जहाँ पर गिरा हुआ था उससे लगभग 1.5 किलोमीटर बहियार में मकई का खेत में जो जमर चौर उसको बोला जाता है वहाँ से बरामद हुआ। और काफ़ी उसके शरीर पे जख्म थे, इंजुरी थी, पीट पीट करके उसकी हत्या की गई। प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ उसके शव की बरामदगी के बाद अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आया कि उस मृतक का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था और उसके यहाँ बराबर आया जाया करता था वो। और इसी दौरान कुछ आपत्तिजनक उसने कुछ फोटो भी बना रखा था। इस बात की जानकारी उस बच्चे के द्वारा अपने घर वालों को दी गई तो उनके घर वाले भी जा करके, लड़की के घर वाले उस लड़के के घर पर जा करके उसको समझाए, बोले कि इस तरह का मत करो, जो फोटो वगैरह है वो दे दो। 2 बार जा करके समझाया गया और बोला गया लड़की से संबंध अपना ख़त्म कर लो, लेकिन लड़का फिर भी नहीं माना। और 4 तारीख की रात वो एक शादी में गया हुआ था जगदीशपुर गांव में, वहीं से इन लोगों को जानकारी थी कि आज वो शादी में आने वाला है, वहीं पे लड़की से फोन करवा करके उस लड़के को उनके लड़की के घर पे बुलाया गया, जहाँ पे सभी लोग तैयारी हालत में थे। जैसे ही लड़का आया उसको पकड़ करके और उसके साथ